मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई पूछे कि मेवाड़ में जितने राणा बने उनमें आपको सबसे अच्छे कौन लगते हैं, मैं अमर सिंह का नाम लू, नो डाउट अमर सिंह। उस बंदे ने मुगलों के खिलाफ 17 युद्ध लड़े हैं, सारे के सारे जीते हैं। होता क्या है, कई बार बड़े पेड़ के नीचे दूसरा कुछ भी लग नहीं पाता, बड़ा पेड़ सूर्य की सारी रोशनी रोक लेता है, इसलिए नीचे धूप भी नहीं लग पाती। महाराणा प्रताप इतना बड़ा नाम हो गया कि अमर सिंह आते नहीं कहीं पर। यदि अमर सिंह महाराणा प्रताप के बेटे ना होते तो अमर सिंह ज्यादा याद किए जाते, खूब याद किए जाते, उनको जितना क्रेडिट दिया जाना उतना क्रेडिट दिया जाता। पर अब वो सारा क्रेडिट ही पापा ले गए। अकबर ने अपने अंकल को भेजा, अंकल का नाम था सुल्तान खान। क्या नाम था? वो डाकी टाइप का आदमी भाई साहब सुल्तान खान, कई युद्ध लड़े हुए, भयंकर वाला एक्सपीरियंस बंदे को। सुल्तान खान आया, सुल्तान खान ने आगे पूछा, यार बताओ रे पंगा चल क्या रहा है अपने यहाँ पर, क्या है प्रताप को क्यों नहीं पकड़ पा रहे, ऐसी क्या चीज है, हिंदुस्तान की पूरे की फौज लगी हुई, एक राजा पहाड़ों में बैठ के हाथ नहीं आ रहा, ऐसा क्या कर रखा? तो कि सर अपने पहाड़ों के रास्ते जानते नहीं, अपने यदि पहाड़ों के अंदर जाते हैं तो अब छोटी छोटी टुकड़ियों में जाना पड़ता है, वो रास्ते जानता है, अपनी टुकड़ियां हार के वापस आ जाती है। तो उसने कहा यार पहाड़ों में उसके हथियार कहां से जाते हैं, पहाड़ों में उसके लिए अनाज कहां से जाता होगा, पहाड़ों में उसकी सप्लाई कहां से जाती होगी, ऐसा पहाड़ों में के रास्ते हैं उन रास्तों से जाती। तो उसने कहा रास्ते ब्लॉक कर दो, पहाड़ों में हथियार जाने बंद, पहाड़ों में अनाज जाना बंद, पहाड़ों में कोई खजाना जाना बंद, फिर कहां से आएंगे सर इतने बड़े पहाड़ों को रोकने को। उसने कहा पूरी सेना है अपने पास में, कहां कहां लगाने तुम तो बताओ रास्ते कहां है। कहा सर एक रास्ता इनका डूंगरपुर की तरफ जाता है, देवल होकर जाता है। कहां से जाता है? उसने एक सेना की टुकड़ी लगा दी देवल, एक रेजिमेंट कहां बिठा दी देवल, जहां पर ये सेना बिठाते उनको बोलते थाने। क्या बोलते? तो एक थाना उसने कहां पर बना दिया। और बताओ? तो कहा सर डूंगरपुर वाला रास्ता तो बोलोगे, डूंगरपुर से कोई भी सहायता मिल नहीं सकती। और कहा एक पाली की तरफ रास्ता निकलता है, वो कहां से जाता है? देसूरी। कहां जाता है? उसने कहा देसूरी बंद करो। तो एक थाना कहां बिठा दिया? देसूरी। और बताओ कि साहब एक रास्ता उदयपुर की तरफ निकलता है, वो कहां से निकलता है? देबरी। देबरी ब्लॉक करो। एक थाना कहां पर बना दिया? देबरी। और कि सर इनका सबसे महत्वपूर्ण थाना जो है, महत्वपूर्ण जो रास्ता है वो राजसमंद होता हुआ अजमेर की तरफ निकलता ही है, ये कौन सा है? कि ये दिवेर्स। ये कौन सा है? कि सर इसमें इनको दो फायदे हैं। क्या दो फायदे हैं? कि एक तो इनको अजमेर वाला रूट इनका खाली रहता है, यहां से इनको सप्लाई वप्लाई खूब आती रहती है। फिर दूसरा अपने को भी सारे साधन अजमेर से मंगाने पड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी पब्लिक को तो पहाड़ों में शिफ्ट कर रखा था, अपने अनाज कहां से मंगाई? अजमेर। और ये इस रास्ते से अपना सामान आने नहीं देते, इनके सैनिक अपना सामान बीच में लूट लेते हैं, इसलिए अपने को तो यहाँ दुविधा का सामना करना पड़ता है, अपने को सामान लाने के लिए भी सेना लगानी पड़ती है। उसने कहा मत चिंता करो, इधर मैं बैठा हूं। उसने चार थाने लगा दिए, डूंगरपुर वाले रास्ते पे देवल, पाली वाले पे उदयपुर वाले पे और राजसमंद वाले पे, और दिवेर वाले में खुद जाके बैठ गया। और वास्तव में उसने प्रताप को ब्लॉक ही कर दिया कि पहाड़ों से बाहर निकलना ही बंद, हालत अंदर खराब कर रखी। अंदर वो बैठे बैठे वेट एंड वॉच की स्थिति में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खाली होंगे तब करेंगे कुछ ना कुछ अपने, कभी ना कभी तो इनको खाली करने पड़ेंगे रास्ते यहां से। इधर दशहरे का त्यौहार है, कौन सा त्यौहार है? अपने दशहरे पे यहाँ पे हथियारों की पूजा होती है, शस्त्र पूजन करते हैं आप भी। अच्छा, शस्त्र पूजन के बाद में ये माना जाता कि तलवार म्यान से बाहर निकाली है आपने, उसका पूजन किया है, तो अब तलवार म्यान में तभी डाली जाए जब उसके खून लग जाए, खून लगना जरूरी है। तो अपने दशहरे के दिन लड़ाइयां होती थी, छोटी मोटी कोई ना कोई लड़ाइयां करते, उन लड़ाइयों को बोला करते टीका दौड़। क्या बोलते? टीका मतलब तिलक, हथियारों के तिलक लगाया, उसके बाद में जो लड़ाइयां हुई उन लड़ाइयों क्या बोला करते? टीका। अब हथियारों की पूजा वूजा की, महाराणा प्रताप निरंदर बैठ के, अब कहा भाई अपने को लड़ाई करनी है, कहां लड़ाई करें? तो कहा भाई मुगलों के चार कैंप है, चारों कैंपों में कहीं पर हमला करते हैं। कहां हमला करें? मंत्रियों से ने पूछा तो सब लोगों ने ऊपर वाले तीन कैंप बताए, भाई यहां पर हमला कर लिया जाए। यहां पर क्यों कर लिया जाए? क्योंकि दुश्मन की सेना थोड़ी कम है, दिवेर में सेना ज्यादा है, तो दिवेर में अपने को नुकसान हो सकता है, यहां पर किया जाए। महाराणा प्रताप ने कहा दिवेर पे करें ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। कैसे? कि मुगलों को सबसे अधिक भरोसा कहां पर है, उन्हें लगता है भाई दिवेर पर अपने कभी भी हमला नहीं कर सकते। सुल्तान खान खुद कहां पर बैठा है, तो पहली बात तो वो वहां पे निश्चिंत हो रखेंगे, यहां पर तो हमला हो ही नहीं सकता, इसलिए वहां पर यदि करेंगे तो सफलता के चांस ज्यादा है। दूसरा, यदि दिवेर जीत गए ना तो बाकी वाले तीन तो मुगल भाग ही जाएंगे। दिवेर ही जीत गए तो क्या होगा? सर्जिकल स्ट्राइक है वो, दिवेर पर हमला किया गया, सारी की सारी मुगल फौज काट दी गई। अगले थोड़े दिनों के अंदर दिवेर खाली करवा लिया था, देसूरी, देबारी, देवल, यहां पे 36,000 मुगल फौजी सरेंडर करते हैं। मैं कई बार सोचता हूं यार दिवेर का युद्ध हमारी हिस्ट्री में बताया क्यों नहीं जाता, दिवेर का युद्ध हमारी किताबों में उस कदर क्यों नहीं पढ़ाया जाता। हमने प्रताप को हल्दी घाटी में बंद करके रख दिया है, हल्दी घाटी की परिणति, हल्दी घाटी का जो संघर्ष शुरू होता है वो यदि कंप्लीट कहीं पर जाके हो रहा है तो कौन से युद्ध में हो रहा है?
अमर सिंह सुल्तान खान को मारता है इस में, भला मारता है, आर पार निकाल देता है सुल्तान खान के भला। सुल्तान खान डाकी टाइप का आदमी था, सुल्तान खान के भला मारा तो आर पार निकल गया। युद्ध जब समाप्त हो गया तो घायलों को उठा उठा के ला रहे थे, देखा सुल्तान खान घायलों में पड़ा तो महाराणा प्रताप खुद मिलने के लिए गए। भले भले दुश्मन हो यार, सेनापति था अगलों का, मरते हुए आदमी से मिला तो जाए कम से कम। सुल्तान खान बाप रहे अंतिम सी सांस गिन रहा है, तो महाराणा प्रताप गए सुल्तान के पास और उनको जाके पूछा, सुल्तान खान तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दे, मरते हुए आदमी की अंतिम इच्छा तो पूरी की जाए। तो उसने कहा, मैं उस लड़के को देखना चाहता हूँ जिसने मेरे भला मारे, मैं सुल्तान खान हूं, मेरे को सामने आ जाए मैं आंखें निकाल दूं ना तो आदमी को डर लगता है, और नजदीक आ जाए मैं झिंटे पकड़ लू ना या बिड़ा बिड़ा के मार दू, मेरे भला मारा यार आर पार निकाला है। तो मरने वाला सा था, तो महाराणा प्रताप को लगा यार अमर सिंह को बुलाएंगे कैंप में से, वो आएगा तब तक ये बाबड़ा क्या पता मर ही जाएगा। तो वहीं पास में कोई फौजी खड़ा था, उसका हाथ पकड़ गया, ये है इसने मारा था। सुल्तान खान मरता मरता हंस के कहता है, इसको तो मैं मरता मरता मार जाऊं। ये नहीं था वो लड़का जिसने मेरे मारा, मैंने उसकी आंखें देखी, उसकी आंखों में चिंगारी अलग प्रकार की थी। महाराणा प्रताप अमर सिंह बुलाते हैं, दौड़ के आओ उसको को बुला के लाओ। अमर सिंह आता है, महाराणा प्रताप कहते हैं मेरे वाला ही था, इसने मारा था। सुल्तान खान कहता है, तुम बहादुर पिता के बहादुर पुत्र हो, वाकई यार तुम बहादुर हो, इस छोटी सी उम्र में यार तुमने मेरे आर पार भला निकाला है। महाराणा प्रताप अमर सिंह को गंगा जल देते हैं कि सुल्तान खान के मुंह में गंगा जल डालो। हमेशा मानते हैं कि मरते हुए आदमी मुंह में गंगा जल डाला जाए तो जन्नत मिलेगी, स्वर्ग में जाएगा, ठीक है दुश्मन है अपना, पर अब तो मर ही रहा है बेचारा, गंगा जल दिया जाए। अब उसे गंगा जल वगैरह डाल दिया, उसकी बोली वोली बंद हो गई, आंखें बंद हो गई, पर उसकी धड़कने चले थोड़ी थोड़ी, मरे नहीं, क्योंकि घायल आदमी के साथ सीधी सी दिक्कत है, जब तक पूरा खून नहीं निकलेगा वो मरेगा नहीं, ब्लड लॉस्ट होना पूरा जरूरी है तभी वो मरेगा। ये तो क्या होता है भाई, आपका सिर फूट गया, खून फटाफट निकल गया, उसके बाद भाला अंदर घुसा हुआ तो उसका खून धीरे 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 निकले उस घाव से। तो कहा यार ये जब तक खून नहीं निकलेगा मरेगा नहीं, बापड़ा तड़फ रहा है यार पड़े पड़े इस प्रकार से। तो महाराणा प्रताप अमर सिंह को कहते हैं कि भाला खींच के बाहर निकाल दे, एक झटके मर जाए, मरना तो 10 मिनट बाद मरे, 15 मिनट बाद मरे, क्यों तड़फे बेचारा मर जाए। तो कहते वो इतना मोटा आदमी था कि अब अमर सिंह से भाला निकले नहीं, जाते तो यूं घुसा दिया बंदे ने और निकले नहीं। उसके बाद अमर सिंह उसके दोनों पैरों पे खड़ा होकर दोनों हाथों से खींचता है, तब उसका भला निकलता, तब वो मरता है। अमर सिंह वो योद्धा था जिसने सुल्तान खान के भला आर पार कर दिया था, और हम बचपन से कहानियां सुनते हैं कि वो एक दिन घास की रोटी खा रहा था और उसके हाथ से वन बिलाव घास की रोटी छीन के भाग गया था। हरे घास की रोटी ही जिद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सुत्यो दुख जाग्यो। कोई घास की रोटी नहीं थी, कवि की कल्पना है, कभी कल्पना ही करता है। हम पढ़ते हैं, जहां ना पहुंचे रवि, मैं कन्हैयालाल सेठिया का खूब आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, उन्होंने कविता रची, इस कविता के माध्यम से उन्होंने महाराणा प्रताप को जन जन का नायक बना दिया, घर घर तक वो कविता हमारे पहुंची। पर कविताएं इतिहास नहीं होती, कवि कई प्रकार की इमेजिनेशन करता है, कई प्रकार की बातें लिखता है, हमें उनमें से हिस्ट्री निकालनी होती है। मैं कल जब आपको पढ़ा रहा था मैंने एक बात बोली थी कि 1569 में उदय सिंह के पोता होता है, इसलिए उदय सिंह एकलिंग जी के धोख लगाने के लिए जाते हैं, उदयपुर की स्थापना करते हैं। बताया था मैंने, वो पोता अमर सिंह है। वो पोता कौन है? इसका मतलब अमर सिंह का जन्म कब हुआ है? 1569। हमें कहानी ये सुनाएगी कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, और खराब हो गई तो अमर सिंह एक दिन बेटा बेटा घास की रोटी खा रहा था और वन बिलाव उसके हाथ से छीन के भाग गया। हल्दीघाटी के युद्ध में अमर सिंह 17 साल का है, कितने साल का है? और आप कहते हो कि वन बिलाव उसके हाथ की घास की रोटी छीन के भाग गया था। हल्दीघाटी के युद्ध में उसकी पोस्टिंग थी उदयपुर, यदि मुगल उदयपुर की तरफ हमला कर दे, उधर महिलाएं थी परिवार की, उधर हमला कर दे तो महिलाओं की रक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो हल्दीघाटी के युद्ध के टाइम भी उदयपुर में लड़ रहा था, और ये कैसे हो सकता है कि हल्दीघाटी के युद्ध के टाइम में तो अमर सिंह इतना छोटा सा रहा हो, और 4 साल बाद 1580 में शेरपुर में उसको ये भी पता है किसको लेके जाना है किसको छोड़ के जाना है, और दिवेर के युद्ध में सुल्तान खान के भला मारता तो आर पार निकाल देता है। हमने इन कहानियों के माध्यम से अमर सिंह को तो भुला ही दिया। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई पूछे कि मेवाड़ में जितने राणा बने उनमें आपको सबसे अच्छे कौन लगते हैं, मैं अमर सिंह का नाम लूं, नो डाउट अमर सिंह। उस बंदे ने मुगलों के खिलाफ 17 युद्ध लड़े हैं, सारे के सारे जीते हैं। होता क्या है, कई बार बड़े पेड़ के नीचे दूसरा कुछ भी लग नहीं पाता, बड़ा पेड़ सूर्य की सारी रोशनी रोक लेता है, इसलिए नीचे धूप भी नहीं लग पाती। महाराणा प्रताप इतना बड़ा नाम हो गया कि अमर सिंह आते नहीं कहीं पर। यदि अमर सिंह महाराणा प्रताप के बेटे ना होते तो अमर सिंह ज्यादा याद किए जाते, खूब याद किए जाते, उनको जितना क्रेडिट दिया जाना उतना क्रेडिट दिया जाता, पर अब वो सारा क्रेडिट ही पापा ले गए, इसलिए अमर सिंह के पास कुछ भी बचा नहीं। और दिवेर, हम नहीं पढ़ते दिवेर को, जेम्स टोड ने उस टाइम कहा था कि दिवेर मेवाड़ का मैराथन है,
अब सुल्तान खान को मार दिया गया, चारों के चारों कैंप मुगलों के यहां से उड़ा दिए गए। अकबर बड़ा तमतमाया उधर से, अकबर ने कहा वापस जाओ हमला करो, पर अब किसी की हिम्मत नहीं होगी मेवाड़ पर आक्रमण करे। सबको बता रहे सुल्तान खान को बुरा मारा यार इन्होंने, तो वापस एक आदमी ने हिम्मत की, जगन्नाथ कछवाहा। किसने की? मानसिंह वाला अंकल। उसने कहा मैं ट्राई करके देखूं। अकबर ने कहा जाओ तू। तो 1585 में मेवाड़ पर हमला कौन करता है? 1585 के बाद अकबर ने जब तक महाराणा प्रताप 1597 तक जिंदा रहे मेवाड़ पर कोई आक्रमण नहीं, और 1597 में जैसे ही प्रताप की डेथ होती है अकबर वापस अटैक करता है। इसका मतलब इन बीच के 12 साल में अकबर को बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि आरएस में सिलेक्शन पटवारी ग्राम सेवक दे लेने चाहिए, इधर अपनी पार पड़ेगी। क्योंकि इन सालों में प्रताप ने अफगानिस्तान पर अटैक किया है, पंजाब पर अटैक किया है, बंगाल पर अटैक किया है, उड़ीसा पर अटैक किया है, दक्षिण भारत पर अटैक किया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पूरे भारत के छोरों पर आक्रमण करो, सब जो बाउंड्रीज है उन पर आक्रमण करो, और नाक के ठीक नीचे मेवाड़ पड़ा उस पर आक्रमण ना करो? इसका मतलब वो समझदार आदमी है, वो प्रैक्टिकल बंदा है, उसको पता था कि यहां पर आउटपुट नहीं है, मर रहे हैं हार रहे हैं, कुछ मिल तो यहां पे रहा नहीं, इससे अच्छा दूसरी जगह जीतते हैं, इनका तो बाद में देख लेंगे। और जैसे ही इधर प्रताप की डेथ होती है अमर सिंह राजा बनता है, अमर सिंह राजा बनते अकबर ने वापस अटैक किए, पर उसने कहा आजा मैं तैयार ही हूं। फिर अकबर मर ही गया था 1605 में, तब तक वो मेवाड़ का राजा उसे संधि कर लेगा, ये उसका सपना ही रह गया था, ये उसका सपना कभी भी पूरा। इधर आपके प्रताप ने जैसे ही आपके जगन्नाथ कछवाहा ने अटैक किया, प्रताप को लगा रही है मेरी लड़ाई मुगलों के साथ है। अकबर आए, रहीम जी आए, सुल्तान खान आए, शाहबाज खान आए, सैयद फखरुद्दीन आए, आसफ खान आए, मेरे समझ में आती है क्या मुगलों से मेरी लड़ाई है, मुगलों के सेनापति लड़ने आएंगे। मानसिंह भगवानदास जगन्नाथ कछवाहा क्या मांगते हैं इधर, तुम पंचायती करते घूमते हो, अब रुको तुम आओगे मुगलों की तरफ से, मैं आमेर पर हमला कर दूंगा। प्रताप आमेर पर हमला कर देता है, और ये जो अभी नया नया जिला बना ये छीन लेता है मालपुरा। क्या छीन लेता है? मालपुरा आमेर वालों के पास आता, बहुत अच्छी ट्रेड मंडी थी बहुत अच्छी, इस पे कब्जा कर लिया उसने, उसने मालपुरा का टैक्स आज के बाद मैं लूंगा। अब जब मुगलों की तरफ से अटैक होने बंद हो गए, तो 1587 के आसपास महाराणा प्रताप बाहर निकल के आते हैं और मैदान में अपनी एक नई राजधानी बनाते हैं चावंड। फिर यहां बैठ के उन उन जगहों पर हमले करने शुरू किए जहां मुगलों का कब्जा था, जहां जैसे मान लो उदयपुर पे मुगलों का कब्जा है वो छुड़वाया, गोगुंदा पे कब्जा है तो वो छुड़वाया, जहां जहां पे मुगलों कब्जे थे वो छुड़वाने शुरू किए। दो किले प्रताप अपने जीवन काल में नहीं जीत पाए, चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़। कौन कौन से? बाकी जहां जहां मेवाड़ पे मुगलों का कब्जा था वो सारे कब्जे उन्होंने छुड़वा लिए। फिर एक दिन चावंड में नए नए हथियार खरीदे थे, एक धनुष खरीदा था, उसको चला के देख रहे थे, उसकी आगे वाली टूट गई, डोरी होती है जो टूट गई, डोरी टूटी तो पीछे धक्का लगेगा, पीछे गिरे तो सर में लगी, तो होता है एक अपने साइंस में पढ़ते हैं क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमना, तो अभी भी क्लोटिंग हो जाती है तो बंदे की डेथ हो जाती है। इसलिए जब भी कोई एक्सीडेंट केस होता है डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं क्लोट नहीं जम गया हो, मतलब यदि आपका सिर फूट गया खून निकल गया आप कैसे नहीं मरेंगे, खून यदि निकल रहा है डॉक्टर जाके टांके वांके लगा देगा ठीक है टाइम पे आप पहुंच गए, तो यदि खून नहीं निकला अंदर लगे क्लोट हो गया तो मरने की भयंकर संभावना रहेगी, तो क्लोट निकालते हैं डॉक्टर सबसे पहले। तब ऐसी कोई थी नहीं चीजें, एक यहाँ की आंतड़ियां खींच गई थी वो खींचते टाइम कोई, तो वहीं चावंड में डेथ हो जाती है 19 जनवरी 1597। कहते हल्दीघाटी वाले युद्ध के बाद प्रताप को तो पता चल गया था संघर्ष लंबा चलेगा, मुगलों के साथ में अपने संधि करने के लिए तैयार नहीं तो मुगल वापस आएंगे लड़ने के लिए, तो 65% का इंतजाम होना चाहिए पूरा। प्रताप गुजरात साइड में जा रहे थे, गुजरात में मुगलों का रास्ता उनके दिमाग में थी कि उधर मुगलों के इलाकों से टैक्स लेके आते हैं, अपने पैसे से क्यों लड़े, इनके पैसे से लड़े। रास्ते के अंदर एक गांव था, उस गांव का नाम था चूलिया। कौन सा गांव था? उधर गुजरात साइड में गांव था चूलिया, इडर में। यहां पर दो आदमी आके महाराणा प्रताप से मिलते हैं, दो भाई मिलते हैं, एक का नाम है भामासा, एक का नाम है ताराचंद। और इन्होंने महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप 65% की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो पहाड़ों में रहो, पैसे का इंजाम हम कर लेंगे, ये पकड़ो खूब सारे पैसे। अरे इतने पैसे कहां से? इनका एक तो हमारा जो पर्सनल खजाना है वो सारा का सारा आपका, आप तो संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। एक प्रताप ने कहा ये तुम्हारा घर का है यार, ये मैं कैसे ले सकता हूं? अरे सर सुनो, कुछ तो हमारे घर का है, कुछ इसमें मेवाड़ का ही खजाना है। भामाशाह के परिवार की ड्यूटी थी मेवाड़ में कोषाध्यक्ष की, किसकी ड्यूटी थी? कोषाध्यक्ष होती, भामाशाह का परिवार कोषाध्यक्ष ही था, पर अब मेवाड़ की किसी टाइम राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, तब तो सब व्यवस्था है, तुम कोषाध्यक्ष है, तू फलाण जी है। अब जब तितर बितर हुए पहाड़ों में, तो कोई कहीं निकल गया कोई कहीं निकल गया, सारे एक साथ थे नहीं, तो इनके परिवार के पास वो मेवाड़ का खजाना रह गया। भामाशाह कितने ईमानदार आदमी है, उन्होंने कहा सर ये मेवाड़ का खजाना आप रखिए, आपका ही टैक्स था, आपके बाप दादाओं का टैक्स था, हमारे तो घर पे पड़ा था, हम तो केयर टेकर थे इसके, आप रखिए इसको, कस्टडियन थे, अब आपकी कस्टडी में रखो, और हमारा पैसा ये भी आप ले लो। प्रताप ने भामाशाह गले लगाया और कहा जब तक भामाशाह ताराचंद जैसे लोग हैं मेवाड़ का कोई बाल भी बांका तो मेवाड़ को उस समय बचाने वाला, मेवाड़ का उद्धार करने वाला बंदा कौन है? भामाशाह। या तो कभी मेवाड़ को बचाया था हमीर ने, या इस समय मेवाड़ को कौन बचा रहे हैं? भामाशाह।
इसलिए भामाशाह क्या कहा जाता है, मेवाड़ का महाराणा प्रताप ने भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री बना दिया था। क्या बना दिया? यार इतना ईमानदार आदमी, जिसको क्या बनाया जाए, प्रधानमंत्री। फिर इतना अच्छा मैनेजमेंट है पैसा का, क्या बनाया जाए, प्रधानमंत्री। इतने रुपए ला के दिए थे कि 25 लाख तो कैश था, 20 लाख का सोना था। वो इतने रुपए थे कि महाराणा प्रताप 25,000 की फौज 12 साल तक रख सकते हैं। कितनी फौज? 25,000। 12 साल तक उनके हथियार, खाना पीना, तनख्वाह, ये सब सोचने की आवश्यकता। भाई राजा कमजोर तो इसी में पड़ेगा ना, भाई सेना के रुपए कहां से आएंगे, खाना कहां से लाऊंगा, पीना कहां से लाऊंगा, ये हम दे रहे हैं। आप तो लड़ाई करो, आप तो दिमाग लगाओ कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ साल पहले तक अपने ये माना जाता था कि हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो ड्रॉ हो गया था। क्या हो गया था? मतलब नए तो प्रताप की जीत हुई, नए उसके अंदर अकबर की हार हुई, या नए अकबर जीता नए प्रताप जीता, आप ये मान लीजिए कि अनिर्णय युद्ध था जिसका कोई भी डिसीजन निकला नहीं था। पिछले कुछ सालों में अपने इतिहासकारों ने रिसर्च, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें री राइटिंग होती है, जो बार बार लिखा जाता है। जैसे उनमें नए सोर्स सामने आते हैं, नए एविडेंस सामने आते हैं, हिस्ट्री नए प्रकार से लिखनी पड़ती है। कि वह आज अपने पढ़ रहे हैं कि मैं बता रहा था आपको एक दिन की, भाई गणेश्वर ग्रीन की खुदाइयां अब तक चलती रहती है, कल को नई चीज मिल जाए तो अपने को बताना पड़े ना, यहाँ से ये भी मिल रहा है ये चीज। वैसा वैसा हिस्ट्री दोबारा लिखी जाती है। तो पिछले कुछ सालों में हमारे इतिहासकारों ने रिसर्च किया, रिसर्च करके बताया इस युद्ध में प्रताप की जीत हुई थी। तो भाई क्या एविडेंस है आपके पास में प्रताप की जीत? तब वो एक अपने राजस्थान के हिस्टोरियन एक चंद्रशेखर सर, वो इसमें एविडेंस देते हैं कि हमें कई ऐसे ताम्रपत्र मिले हैं, कई ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनसे पता चलता है कि प्रताप ने हल्दीघाटी के आसपास की जमीन हल्दीघाटी युद्ध के बाद लोगों को दान में बांटी थी। यदि प्रताप हल्दीघाटी युद्ध के ठीक बाद हल्दीघाटी के आसपास की जमीन किसी को दान में बांट रहा है, इसका मतलब जमीन किसके पास है? और यदि जमीन प्रताप के पास है, इसका मतलब युद्ध में जीत किसकी हुई है? प्रताप। ये तो नहीं हो सकता ना कि युद्ध में जीत अकबर की हुई है तो उसने जमीन पर कब्जा कर लिया, जमीन पर कब्जा कर लिया तो बाद में वो फिर प्रताप कैसे दान में दे सकता है? भाई मेरे पास कोई चीज होगी वही तो मैं दान में दूंगा। ये थोड़ी है कि मेरे पास तो खुद के पास तो मादलिया ही निर्माव कर रहा हूं, लस सोने की चेन ले जा। आप सर खुद तो गले में धागा डाल के घूम रहे हो, हमें सोने की चेन बांट रहे हो, तो जिसके पास होगा वही देगा। यदि वो प्रताप के पास काम हो तो प्रताप बांट रहा है। तो ये उदयपुर वाला अभिलेख के मंडेर वाली जागीर उस रिसर्च में खूब काम आई थी। तो आजकल तो बाकायदा वहां पर बोर्ड ही लगा दिया इसमें लिखा कि इसमें किसकी जीत हुई थी, प्रताप की। तब ये कई ऐसे सोर्स काम में लिए गए। तो याद रहेंगे आपको, तो मंडेर की जागीर किसको दान में दी गई थी? सादुलनाथ त्रिवेदी। ये जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है?